विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर तैयारियां प्रारंभ। 31 जुलाई तक पोर्टल में नाम होंगे दर्ज, मिलेंगे 10,000 रुपए। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना जो कि सभी 9 विकास खंडों को मिलाकर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, वह इस वर्ष भी आयोजित होगी। इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई। पोर्टल में नाम 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे। हम आपको बता दें, इस प्रतियोगिता के विजेता को, बेहतर प्रदर्शन करने वाले को 10,000 तक का इनाम भी दिया जाता है। इसी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं। इस बारे में हमने प्रतियोगिता के जिम्मेदार लोगों से बातचीत की। ये इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना 2019-20 में छात्रों के पंजीयन हेतु सभी 9 विकास खंडों के प्राचार्य, शासकीय विद्यालयों के हेडमास्टर, अशासकीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय हैं, उन सभी के कक्षा 6वीं से 10वीं तक के छात्रों को भारत सरकार द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ये संचालित की जाती है, इसमें जो छात्रों के इनोवेटिव दर्ज होते हैं पोर्टल में, उनको प्रति छात्र 10,000 रुपये उनके खाते में जाते हैं और वो इनोवेटिव जो उनका खाता रहता है उसका सिलेक्शन होने के बाद वहाँ से एक सूची आती है, तब जिला स्तर या संभाग स्तर पर ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जैसे विगत वर्ष में हुआ था उसी अनुसार से होता है। ये प्रतियोगिता कब से चालू है? ये अभी इसका चालू है, पोर्टल में दर्ज करने की डेट चालू है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय